एक ओल्ड मैन जिसकी उसके ही घर में कोई इज्जत नहीं करता, जबकि उसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और घर बनवाने में लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसकी कोई कदर नहीं करते। अब एक दिन एक हादसे की वजह से उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, जानेंगे आगे मूवी में। इसलिए फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन अचीरो को देखते हैं, जिसके घर के सभी लोग उसे एक लूजर समझते हैं और उसे थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं देते, यहाँ तक कि उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता। एक दिन अचीरो घर आ रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे हैं। ये देखकर वो पीछे लौटने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है, जो अचीरो से कहती है कि तुम तो सच में फट्टू हो और तुम किसी काम के नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अचीरो को रास्ते में एक डॉग मिल जाता है, जो दिखने में बहुत ही प्यारा था, इसीलिए वो उसे लेकर अपने घर चला आता है। लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ उस कुत्ते के लिए उसे बहुत डांटती है और उसे वापस छोड़ आने के लिए फोर्स करती है। फिर अचीरो मजबूर होकर उस कुत्ते को पार्क में छोड़ने के लिए जाता है। वो उस कुत्ते को छोड़ ही रहा होता है कि तभी उसे आसमान से एक स्पेसशिप उसकी तरफ आती हुई दिखती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, स्पेसशिप उसके ऊपर क्रैश हो जाती है, जिससे उसकी तुरंत वहाँ पर डेथ हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अचीरो वापस से जिंदा हो जाता है। फिर वो उस डॉग के साथ वापस से अपने घर चला आता है। घर में वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जो काम वो नहीं कर पाता था वो काम भी आज वो बड़ी आसानी से कर रहा था। फिर वो जैसे ही अपने रूम में आता है तो उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इसीलिए वो अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। कपड़े उतार कर जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसे अपनी उंगली पर दो USB पोर्ट नजर आते हैं। ये देखकर वो अपने फेस को चेक करता है, लेकिन ऐसा करने पर उसका पूरा दिमाग ही खुल जाता है और देखते ही देखते उनकी पूरी बॉडी खुल जाती है, जो दिखने में आयरन से बने वेपन्स की तरह लग रही थी। अब वो समझ जाता है कि उस स्पेसशिप की वजह से ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर हमें पता चलता है कि उस रात अचीरो के साथ एक और लड़का था, जिसके ऊपर वो स्पेसशिप क्रैश हुई थी, जिसका नाम हैरो था, और अब उसकी बॉडी भी अचीरो जैसी ही हो गई थी। वो भी अपने अंदर हो रहे इस बदलाव को समझ चुका था और उसका अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल हो चुका था। वो अपनी पावर को चेक करने के लिए एक उड़ते हुए कबूतर को शूट कर देता है। इसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक कार को हैक कर लेता है और उसे अपने इशारों पर चलाने लगता है। अब वो अपनी पावर्स के बारे में अपने दोस्त को भी बता देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरो की फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम ही है। दरअसल उसके पिता ने पैसों के लिए दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए हैरो की मॉम बहुत दुखी रहती है। यहाँ पर हैरो किसी भी हालत में अपनी मॉम को खुश देखना चाहता है, लेकिन वो काफी गरीब है, इसीलिए वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हैरो किसी और फैमिली को खुश देखता है तो उन्हें देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। इसके बाद हम अचीरो को देखते हैं, जिसको रास्ते में वही कबूतर मिलता है जिसे हैरो ने शूट कर दिया था। अब अचीरो उस कबूतर को उठाता है और जैसे ही वो उसे सहलाता है वो कबूतर वापस से जिंदा हो जाता है। तब अचीरो समझ जाता है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा कर सकता है। दूसरी तरफ हम हैरो को देखते हैं, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके क्लास के दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा होता है। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर अपने नए परिवार के साथ काफी खुश हैं, जो देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो वहाँ से चुपचाप चला आता है। रास्ते में वो एक और फैमिली को देखता है जो काफी खुश थी, तब उसे और गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस पूरी फैमिली को मार देता है। इसके बाद हैरो अपने दोस्त नायावी से मिलता है। यहाँ पर नायावी हैरो से कहता है कि मुझे पता है कि कल रात जो मर्डर हुए हैं वो तुमने ही किया है और अब तुम किलर बन चुके हो, इसीलिए मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी। फिर ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अचीरो की तरफ, जिसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और घर में उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देने को कहती है, जो सुनकर अचीरो बहुत ही परेशान हो जाता है और कमरे में जाकर रोने लगता है। इसके बाद उसे नायावी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर वो नायावी के पास जाता है। यहाँ पर अचीरो के पूछने पर नायावी बताता है कि उसका फ्रेंड एक किलर बन चुका है, इसीलिए उसने उससे दोस्ती तोड़ दी है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। ये सुनकर अचीरो हैरो को उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकने का फैसला करता है, लेकिन अचीरो को खुद उसकी पावर का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसीलिए वो अपनी पावर को यूज करने के लिए प्रैक्टिस करता है। थोड़ी देर बाद अचीरो को प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी पी लेता है और जैसे ही पानी उसके अंदर जाता है उसकी बॉडी में अलग ही तरह का रिएक्शन होने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके अंदर का पानी बाहर आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो किसी तरह का लिक्विड अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूरी
पूरी बॉडी इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम हैरो को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे पुलिस आकर रोक लेती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि हैरो एक किलर है। फिर हैरो उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है और उसे रोकने वाले सभी पुलिस वालों को वो शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब उसकी की हुई करतूतों का जवाब उसकी माँ को देना पड़ रहा था, इसीलिए उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है। अपनी मॉम के मरने की खबर सुनकर हैरो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो शहर के सारे पुलिस वालों से अपनी मॉम की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। फिर वो सारे लोगों के कंप्यूटर्स और मोबाइल को हैक करने लगता है और उनके ही मोबाइल से उनको शूट करने लगता है और वो उन सभी लोगों को मार देता है जिसने भी उसकी मॉम को परेशान किया था। इसके बाद हैरो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं मारेगा, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो हैरो के ऊपर हमला कर देती है और गोलियां चलाने लगती है। इससे हैरो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की वहीं पर तुरंत डेथ हो जाती है, जो देखकर हैरो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के सारे पुलिस वालों को एक ही साथ जान से मार देता है। लेकिन इससे उसका गुस्सा शांत नहीं होता, इसीलिए वो इस पूरे शहर को खत्म करने का फैसला करता है। तभी वो शहर के सभी कंप्यूटर्स और मोबाइल को हैक कर लेता है जिसकी वजह से वो सभी लोगों को जान से मारने लगता है। अब पूरे शहर में हंगामा मचने लगता है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। अब अचीरो भी सभी कंप्यूटर्स और मोबाइल को हैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर नायाकी सबको बताता है कि कोई भी अपना मोबाइल और कंप्यूटर यूज ना करे। अब ये सुनकर सभी लोग अपना अपना मोबाइल फेंकने लगते हैं और अब बहुत ही कम लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे थे। ये देखकर हैरो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो अपनी पावर की मदद से पूरे शहर की बिल्डिंग्स पर मिसाइल छोड़ने लगता है। तभी उसकी छोड़ी एक मिसाइल अचीरो के घर में जाकर गिरती है जिसकी वजह से अचीरो की बेटी घायल हो जाती है। फिर अचीरो हैरो को रोकने के लिए जाता है, लेकिन हैरो उसकी बात नहीं मानता और उल्टा अचीरो पर ही अटैक कर देता है। फिर अचीरो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और हैरो उसका पीछा करने लगता है। यहां पर अचीरो को एक आइडिया आता है और वो हैरो को काफी ज्यादा थकाने का सोचता है। फिर अचीरो हैरो को अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर उसे थकाने में कामयाब हो जाता है जिससे हैरो को प्यास लगती है और वो पानी पी लेता है। इसके बाद अचीरो हैरो को अपना पीछा करवाते हुए अंतरिक्ष में लेकर जाता है और फाइनली अंतरिक्ष में हैरो अचीरो को पकड़ लेता है। अब वो उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी उसकी बॉडी पर उस पानी का रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स काम करना बंद हो जाती है। फिर इस बात का फायदा उठाकर अचीरो अपनी पूरी पावर के साथ हैरो पर अटैक कर देता है और उसे ब्लास्ट करके जान से मार देता है। इसके बाद अचीरो अपने घर आता है। यहाँ पर उसकी बेटी जख्मी हालत में पड़ी थी। फिर अचीरो जल्दी से अपनी पावर का यूज करके उसे वापस से जिंदा कर देता है, लेकिन यहाँ पर हैरो वापस से आ जाता है और अचीरो पर अटैक कर देता है। दरअसल वो अभी मरा नहीं था। इसके बाद हैरो उसकी बेटी को शूट कर देता है। फिर वो उसकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जो देखकर अचीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ हैरो पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर हैरो के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर अचीरो हैरो को चीरता हुआ बिल्डिंग से नीचे कूद कर अपनी बेटी को बचा लेता है और इसके बाद वो अपनी बेटी को फिर से ठीक कर देता है और ऐसा करके वो अपनी बेटी के साथ वापस घर चला जाता है। अब हम टीवी में न्यूज देखते हैं जहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि एक फरिश्ते ने आकर पूरे शहर को बचा लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अचीरो के घर में, जहाँ पर अब उसके घर वाले उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं और यहाँ पर वो उन सबके साथ बैठकर खाना भी खा रहा था। अचीरो की बेटी अचीरो को अपना रियल हीरो भी मानने लगी है। इसके बाद हम हैरो को देखते हैं जो अभी भी नहीं मरा और उसी को दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और अगर वाकई में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।